नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। हम आज बनाएंगे करेले की सब्जी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हम करेले को एक दो पानी से धो लिए हैं। धोने के बाद इसका हम पूरा छिलका उतार दिए हैं और इसको हम छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है और इसको आप 3 से 4 दिन खा सकते हैं। कहीं ये देखिए, करेला को हम छोटे छोटे पीसों में काट लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये लगने वाले मसाले हैं। ये मसाला अचार वाला है, ये जीरा है भुंजा हुआ पिसा हुआ, और ये कलौंजी है, ये धनिया है, अमचूर पाउडर है, सौंफ है, ये मेथी है और ये हींग है, और ये थोड़े से लहसुन लिए हैं 8-10 कली। इसमें हम सरसों ऑयल लिए हैं। तेल हमारा गरम हो रहा था। अब इसमें हम डाल देंगे करेला। हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे करेला। इसको हम अच्छी तरह से भूंज लेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल ज्यादा होता है। इसको सुनहला होने तक हम तलेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी। हम छोटे चम्मच में 1 चम्मच लिए हैं। डाल देंगे नमक। इसको हम अच्छी तरह से तल लेंगे, ब्राउन हो जाने देंगे, ऐसे फैला देंगे। हमारा करेला पक चुका है, ऐसे फैला देंगे। ये देखिए, हमारा करेला भुंज गया है। ये देखिए, आवाज भी आ रही है। बहुत ही करारेदार करेला है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तेल में हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे और ये लहसुन डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम भूंज लेंगे। ये देखिए, लहसुन भूंज गया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो में है, स्लो में रखेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच डाल देंगे धनिया। सभी मसाले भुंजे हैं। 1/2 चम्मच डाल देंगे जीरा। 1/2 थोड़ी से मेथी डालेंगे, 2 चुटकी लिए हैं। थोड़ा सा लेंगे करायल, थोड़ा सा लेंगे सौंफ, ले लेंगे पीसी मिर्च, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार से लें।
तीखा जितना पसंद हो। अब इसमें हम डाल देंगे करेला और इसको भी हम मिला लेंगे। हम गैस बंद कर देंगे। अब लास्ट में हम डाल देंगे अमचूर पाउडर। हम एक बड़े चम्मच लिए हैं और इसको हम मिला देंगे। हम गैस बंद कर दिए हैं और हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है।